रेसलमेनिया 40 में एक नया टाइटल देखने को मिलेगा। जीरो न्यूज़ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेसलमेनिया की 40th एनिवर्सरी के लिए एक नया टाइटल रखा गया है। ये नया टाइटल किसके लिए रखा गया है ये अभी तक पता नहीं है। रिपोर्ट में ये भी कहा कि ये कोडी रोड्स या रोमन रेंज के लिए नहीं है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के और यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप टूर्नामेंट मैच में ग्रेसन वॉलर का मैच एनएक्सटी स्टार के साथ होने वाला है। अब वो एनएक्सटी स्टार कौन है इसका खुलासा हुआ है। WWE ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप टूर्नामेंट मैच में ग्रेसन वॉलर का सामना कार्मेलो हेस करेंगे। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के और सीएम पंक को लेकर एक अपडेट सामने आया है। रेसलिंग हाउस के अकॉर्डिंग सीएम पंक अधिकांश समय एनएक्सटी डेडलाइन में बैकस्टेज में थे और वो सभी के साथ अच्छे रहे। सीएम पंक के करीबी लोग इस बारे में बात करते रहते हैं कि सीएम पंक कितने खुश है और वो जिस लहर पर है उसी पर सवार रहना चाहते हैं। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के और एक रिपोर्ट में कहा था कि लोगन पॉल के रॉयल नंबर मैच जीतने को लेकर सीरियस चर्चा हो रही थी। हालांकि रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट गलत है। WWE ने इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की है। इसके अलावा जितने भी करण चैंपियन हैं उनके रंबल मैच जीतने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो हम चलते अपने फाइनल टॉपिक के और शार्लेट फ्लेयर लास्ट वीक स्मैकडाउन में इंजर्ड हो गई थी। अब उनके इंजरी को लेकर एक अपडेट सामने आया है। PW Insider के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओरिजिनली शार्लेट फ्लेयर को लास्ट वीकेंड के लाइव इवेंट के लिए शेड्यूल किया गया था, लेकिन उन्हें इवेंट से निकाल दिया गया। अभी उनके नी इंजरी को लेकर कुछ ठोस अपडेट सामने नहीं आए हैं, लेकिन चिंता है कि इंजरी सीरियस हो सकती है। इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आते देखने के लिए धन्यवाद।